परमानेंट और वफाक के ऊपर एक चीज क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफी मेरे व्यूअर्स वो ये राय रख रहे हैं कि आप डायरेक्टली इमरान खान की हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सिंध हुकूमत के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, आप सिंध हुकूमत से डरते हैं या तो मैं वो अल्ताफ भाई की तरह मैं डरता वरता नहीं हूँ। मुख्तलिफ ममालिक की मिसाल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इवन अभी तक उन्होंने अपने सिटीजन को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो सिटीजन है वो आपकी अपनी लाइबिलिटी होती है। कतर जो है वो अभी तक अपने सिटीजन को अलाउ कर रहा है, यूएई अपने सिटीजन को अलाउ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कोई ऐसा चीज नहीं देखी गई जो डिफ्रेंशिएट करे कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे सिटीजन हैं, इनको हमें आने देना चाहिए। तो व्हाट्स द पॉइंट कि वो अभी फ्लाइट्स भेज रहे हैं जो 1-2% स्टैंडर्ड पैसेंजर है उनको लाने के लिए। इस तरह एक वीडियो आई थी ना कि एम्बुलेंस में बंद कर दिया था कोरोना वायरस पेशेंट के साथ, उसके बाद वो खिड़की से ही बाहर आएगा, इसी तरह यूट्यूबर भी खिड़की से बाहर आएंगे सिर्फ व्यूअर्स के लिए, गेन करने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए वो ये कर रहे हैं।